नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज पीला कचनार के बारे में बताऊंगा। ये पीला कचनार है, इसको मैंने एक महीने पहले लगाया था। और कचनार की तीन प्रजातियां होती हैं और इनके पत्ते सेम होते हैं लेकिन फूल थोड़े अलग हैं। लाल और सफ़ेद कचनार एक तरह होता है और पीला कचनार थोड़ा अलग। इसके आप फूल देख सकते हैं, इसके फूल कुछ भिंडी के आकार के हैं और ये बहुत सारे दवाओं में यूज़ होता है कचनार, इसलिए काफ़ी लगाया जाता है। और ये बहुत ही गुणी पौधा है और इसको मैंने यहाँ पे तितली भौरे बनाने के लिए कचनार का पेड़ लगाया है। इनका जो पत्ता होता है आप पहचानने के लिए इसके दिल साइड, और एक बार ध्यान से देखेंगे जैसे दो लंग्स होते हैं वैसे होता है। और एक देखिए कितनी कली निकल रहा है, ये ठंड आ गई है, इसको इस टाइम खिलना नहीं चाहिए लेकिन इसमें फूल निकल रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और फिर एक कचनार से ही कई कचनार हो जाएगा क्योंकि इसके बीज बनते हैं और बीज जहाँ जहाँ गिरते हैं वो अपने जैसे और पेड़ बना देते हैं। और मेरा एक पसंदीदा फूल है कि लगभग साल भर खिलता है। तो आपको एक कचनार देखें कहीं भी अपने आसपास लगाइए और उसके बीज गिर गिर के अपने आप कई झाड़ियाँ बना देंगे, कई दवाओं में यूज प्रयोग होता है। तो इसलिए मैं इस पेड़ के बारे में आपको बता रहा था क्या क्या करता है, कैसे होता है। और काफ़ी दवाएँ आप देख सकते हो नेट पर कि कौन कौन सी दवाएँ बनती हैं इसकी, इनके बारे में। और मैं यहाँ लिख भी दूँगा नीचे कि इस पेड़ के बारे में दवाएँ कैसे बनती हैं। तो आप लोग इस कचनार को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए अपने पार्क में, अपने गमले में, अपने छत पे, अपने घर के सामने, जिससे आपका घर हरा भरा और इस पर तितलियाँ आएंगी, भौरे आएंगे, मधुमक्खी आएंगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं आपको नए नए तरह के फूलों पेड़ों के बारे में बताता रहता हूँ। इन पत्तों को ध्यान से देख लीजिए, आप कहीं नर्सरी जाते हो तो आप उसको खरीद कर लगा सकते हो। और इसकी अच्छाई यही है कि अगर आप एक पेड़ लगाओगे इसके बीज गिर गिर के इसके आसपास कई पेड़ बन जाएंगे। तो मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा और इसका चनार के फूल पे ख़त्म करूँगा कि आप लोग बार बार इसको देख कर इसको पेड़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाग को, अपने आसपास इसको हरा बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी पूछिए, हम आपको बताने की कोशिश करें जिससे आप लोग को नए नए पेड़ों की। मैं हर रोज़ एक वीडियो बनाता हूँ, आपको वीडियो मिल सके। और ये मीठा है इसीलिए देखिए इस पर चींटियाँ भी आई हैं और बहुत अच्छा एक ये फूल खिल के मुरझा गया है। अब इसमें एक बीज बनेगा और फिर ये बीज गिरेगा तो नए पेड़ों का निर्माण करेगा। तो मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ, छोटे से वीडियो में आपको पेड़ों के बारे में नॉलेज देता हूँ कि आप देखकर इसको पहचान सको, इनके पत्ते देख के, इनके फूल देख कर। धन्यवाद, जय हिंद, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।